हाउ टू इम्प्रूव पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया जाए, अपना व्यक्तित्व को कैसे डेवलप किया जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे आ चुके हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 7 पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ, 7 टिप्स देने वाला हूँ। इस टिप्स को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप भी अपना पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी का मतलब कि आपका पर्सनैलिटी आप ये दिखाता है कि आप व्यक्ति कैसा है, किस तरीके का है। तो पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना, पर्सनैलिटी को डेवलप करना, अपग्रेड करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहला नंबर टिप कि आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो एटीट्यूड और एटीट्यूड है उसे मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड और एटीट्यूड से क्या मतलब है मेरा, कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका अखलाक कैसा है, मतलब आप किस, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका मतलब आपका संस्कार क्या है, आप लोगों से कब और कैसे किस तरीके से बिहेव करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि आप लोगों से व्यवहार कैसे करते हैं। एक ही सिचुएशन में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्ति गुस्से में आ जाते हैं और कुछ व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ व्यक्ति गाली गलौज पे उतर आते हैं, कुछ व्यक्ति जो मारपीट पे उतर आते हैं और कुछ व्यक्ति जो उसको बहुत ही स्मार्ट तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो ये आपका एटीट्यूड, आपका जो व्यवहार है, आपका जो संस्कार है, ये आपका पर्सनालिटी है, यही आपका जो है आपका एटीट्यूड है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं कि नेगेटिव सोचते हैं, दैट इज़ योर पर्सनालिटी। तो इस तरीके से अपना जो व्यवहार है, अपना जो अखलाक है, उसे ज़रा आप जो है उसको लिखिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए, देखिए कि मेरा व्यवहार जो मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा जो पर्सनालिटी को निर्धारित करता है, तो क्या वो सही है या नहीं है। देखिए आपको खुद को आकलन आपको खुद करना पड़ेगा अगर आपको अपना पर्सनालिटी को डेवलप करना है कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं। यू नो बेटर योर सेल्फ, यस नो, आप खुद को बेहतर जानते हैं, आपके जैसा आपको कोई नहीं जानता इस दुनिया में, इवन आपके माँ बाप भी नहीं जानते हैं। दैट्स वाई आप अपने आप को जो है आप देखिए कि आप किस तरीके का व्यक्ति, अपना एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को सुधारिए। जहाँ पे आपको जहाँ कम थोड़ा सा कूल डाउन होना है, जहाँ पे आपको गुस्सा दिखाना है वहाँ दिखाइए। हर जगह पे थोड़ा एंग्री मैन बनने की आवश्यकता नहीं है, राइट। बहुत सारे लोग एंग्री रहते हैं, हमेशा गाली गलौज पे उतर आते हैं, हमेशा लोग नेगेटिव बात करते हैं, तो ये सब चीज़ों से दूर रहना होगा। सेकंड नंबर टिप यहाँ पे मैं आपको देना चाहता हूँ पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, जो 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 हाई क्लास के लोग होते हैं, उनका जिनका पर्सनालिटी हाई होता है, वैसे लोग दूसरों की हमेशा तारीफ करते हैं, दूसरों की प्रशंसा करते हैं और उसका पीठ पीछे उसकी तारीफ करते हैं, लोगों के सामने भी तारीफ करते हैं और इवन पीठ पीछे भी तारीफ करते हैं, बुराई बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अपना पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए लोगों के पीठ पीछे तारीफ करने की ये आदत को डालनी पड़ेगी। दिस इज़ हैबिट, ये हैबिट है, इसे आपको डेवलप करना होता है, ये एक हैबिट है, एक तरह का हैबिट है। अगर आप डेली करेंगे इसको 21 डेज कीजिए तो आपका ये जो है एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो आप लोगों का प्रशंसा कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। कोई भी बेबी अचीवमेंट भी किया है, थोड़ा सा भी अचीवमेंट किया है, प्रोग्रेस किया है, तो उसका वेलडन दीजिए, उसको तारीफ कीजिए, उसका कॉन्ग्रेचुलेशन दीजिए उसको, और उसको बेहतर बोलिए और उसके पीठ पीछे तारीफ कीजिए। अच्छे लोगों का, अच्छे संस्कार लोगों का, उसे लोगों को देख के जलन नहीं होता है, उसकी तारीफ करते हैं और ऐसे पर्सनालिटी को लोग पसंद करते हैं। ऐसे पर्सनालिटी जहाँ भी जाते हैं लोग उसे घेर लेते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं। दैट्स व्हाई यू नीड टू प्राइज एवरी डे टू एवरीवन, हर व्यक्ति को आप जो है तारीफ कीजिए, उसकी अप्रिशिएट कीजिए, उसको जो है आगे बढ़ने के लिए आपको उसको प्रोत्साहन देना है। पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए थर्ड नंबर टिप कि यहाँ पे आपको जुनूनी बनना होगा, बी अ जुनूनी पर्सन। जुनूनी मतलब एनर्जेटिक, पॉजिटिव एनर्जेटिक पर्सन आपको बनना होगा, मतलब आप जो है एक जुनूनी पर्सन। आप कोई भी अपना स्किल्स को अगर सीखना चाहते हैं, कोई आप अपना जॉब में है, प्रोफेशन में है, तो उस काम को लेकर आप जुनूनी बन जाइए। आप अपना पैशन के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा और उसको लेकर आपके अंदर में वो जुनून होना चाहिए। जुनूनी लोगों को लोग पसंद करते हैं, एनर्जेटिक लोगों को लोग पसंद करते हैं। दैट्स व्हाई थोड़ा सा जुनून होना चाहिए आपके अंदर में। जुनूनी लोगों के साथ में लोग घूमते हैं, जुनूनी लोगों के साथ लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको अपना पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपको जुनूनी होने की आवश्यकता है। यस, यू हैव टू बी अ जुनूनी पर्सन, राइट। जुनून बनिए, जुनून आपके अंदर लेके आइए और एनर्जेटिक रहिए, ऑलवेज पॉजिटिव रहिए और एनर्जी के साथ में हमेशा आपको रहना होगा, तभी आपका पर्सनालिटी को लोग पसंद करेंगे। फोर्थ नंबर टिप हियर इज के बी काइंड एंड एक्ट काइंड, मतलब आपको काइंडनेस आपके अंदर में होनी चाहिए, थोड़ा सा दयालु बनना पड़ेगा। बी काइंड एंड एक्ट काइंड, लोगों का मदद कीजिए। मदद का मतलब ये नहीं कि आपको जो है अपना संपत्ति को लुटा देना है, मतलब कहीं भी चलते फिरते लोगों को लिफ्ट दे सकते हैं, कहीं पे भी आपको कोई भूखा मिल जाए उसका मदद कर सकते हैं, मतलब छोटा छोटा जो काइंडनेस जो है उस तरह का जो एक्टिविटी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको करने की आवश्यकता है। किसी को आप पानी पिला सकते हैं, मतलब कहीं पे भी जहाँ भी आपको लगे कि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ऐसे मदद
प्रोडक्टिव बनने के लिए, अपना पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा सा दयालु बनना है। जहाँ भी मौका मिले सर्विस देने का, जहाँ भी मौका मिले लोगों का हेल्प करने का, ऑलवेज रेडी। लोगों को देना है, राइट? देने वाले को लोग याद रखते हैं, लेने वाले को नहीं। हमेशा देने वाला बनिए, गिवर बनिए, टेकर बिल्कुल नहीं। जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ जरूर लेना है, लेकिन पॉसिबिलिटी जहाँ तक हो सके आप लोगों को देने वाला बनिए। फिफ्थ नंबर पॉइंट यहाँ पे कि आपको अपना पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो इमोशनल बैंक है उसे आपको हैंडल करना पड़ेगा। लोगों के साथ में कभी भी कहीं पे भी कभी भी किसी तरीके का कोई फाइट होता है, किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट होता है, तो तुरंत इमोशनली डिसीजन लेते हैं। लेकिन आपको तुरंत हमेशा इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है, मतलब आपको माइंड का भी यूज़ करना है और ब्रेन का भी यूज़ करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। तुरंत इमोशनली आके किसी से एकदम सौदे नहीं कर लेना है, इमोशन में आकर लोगों से कमिटमेंट नहीं लेना है, इमोशन में आकर लोगों से झगड़े नहीं कर लेना है। मतलब इस तरीके से थोड़ा सा इमोशंस को आपको हैंडल करना पड़ेगा, ब्रेन का और माइंड का दोनों का यूज़ करना है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, राइट? जो पर्सनालिटी मतलब जो इसका हाईएस्ट पर्सनालिटी होता है, जो लोग हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, वो लोग ये चीज़ करते हैं इमोशनली। वो लोग हमेशा जो है कोई डिसीजन हमेशा नहीं लेते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, इमोशंस को हावी नहीं होने देते हैं। तो इमोशंस को आप हैंडल कीजिए, देखिए कि कहीं आपका इमोशंस के वजह से कहाँ आपको नुकसान हो रहा है, कहाँ पे आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, उसे कंट्रोल करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स नंबर पॉइंट हियर इज़ कि केयर ऑफ अदर्स, लोगों का केयर करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाई पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो लोगों का केयर करते हैं, दैट्स वाई यू नीड टू टेक केयर ऑफ पीपल, राइट? लोगों का टेक केयर कीजिए, अपने टीम में, अपने ग्रुप में, एवरीवेयर, कॉलेज, स्कूल्स, एवरीवेयर लोगों का टेक केयर करना है। जहाँ भी मौका मिले लोगों को मोहब्बत करने का, लोगों को प्यार देने का, जहाँ भी लोगों का टेक केयर करने का अपॉर्चुनिटी मिले उसमें आपको टेक केयर करना है, लोगों का हेल्प करने के लिए रेडी रहना है। एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है आपको। मतलब जब भी आप लोगों से बात करें तो आपकी बात लोगों को समझ में आए, क्लियरली बोलना है, साफ सुथरे तरीके से बोलना है ताकि आपकी बात लोगों को समझ में आए, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेटर। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल देना, राइट? तो इफेक्टिव कम्युनिकेटर, अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आई बटन पे एक जो है वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि आप कैसे एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आई थिंक 7 पॉइंट आपके साथ शेयर किए हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स को आप अप्लाई करते हैं तो आपका भी पर्सनालिटी को आप डेवलप कर सकते हैं और आप अपने पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं। तो मैंने इसी तरह का बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी और भी आप सभी के लिए बनाए हैं, तो सारे वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिए।